3 दिन हो गए। फर्स्ट डे शिमला, हाँ मनाली होते बाबा वापस जाएंगे कुंजुम पर। पहले शिमला में रुके थे, उसके बाद नारकंडा, आज शायद चितकुल में रुकेंगे। जो आज तक मैं वीडियो में देखता रहा था पहाड़ काट के जो रोड बनाया गया, वो आज मैं लाइव। हाँ जी गाइस, तो स्वागत है आपका स्पीति राइड के चौथे ब्लॉग में। तो हम लोग जा रहे हैं चितकुल की ओर। बादलों के पीछे उधर पर बर्फीले पहाड़ हैं और मौसम भाई काफ़ी ऑसम हो गया है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। बाली लोग जा रहे हैं, तो काफ़ी कुछ दूर गए थे और ये देखिए क्या मस्त वाटरफॉल आ रहा है। तो मैडम बोले कि नहीं, वीडियो सब्सक्राइब कर देना फिर चैनल जी के शॉर्ट, अभी सब्सक्राइब कर दो। तो भाई हमें कुछ सब्सक्राइबर भी मिले हैं, बताइए मैं मैसेज कर देता हूँ। लो भाई सब खुद से सब्सक्राइब कर दिया, ऐसे सबके फ़ोन पकड़ पकड़े खुद से सब्सक्राइब करते रहो। तो भाई ये बहुत ही मस्त सा व्यू है यार, ये तो वाटरफॉल देख रहे हो और उसका बहाव देखो कितना तेज है और किधर जा रहा है अभी दिखाता हूँ। और भाई तो इधर देखो कितना तेज जा रहा है, पंडित खाई में नीचे खाई में जा रहा है कहीं, बहुत गहरा है ये। और जरा फोटो सेशन, 3 दिन हो गए। फर्स्ट डे शिमला, हाँ मनाली होते वापस जाएंगे कुंजुम पर। पहले शिमला में रुके थे, उसके बाद नारकंडा, आज शायद चितकुल में रुकेंगे। तो भाई यहाँ पे रुका है, पता नहीं किस लिए रुका भाई, इधर एंट्री करनी है बस। ओके ओके, तो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं आपके एंट्री करी जाएगी, क्या लिखा पुलिस असिस्टेंट बूथ चौड़ा। तो यहाँ पे आपको भाई बाइक की एंट्री करवानी पड़ेगी। तो गाइस जोरी से जब थोड़ा सा आगे निकलोगे चौड़ा करके एक पोस्ट है जहाँ पे आपकी एंट्री करी जाती है। ये एंट्री इसलिए होती है कितने बाइकर्स कितने लोग इस हाईवे से इस रोड से गए हैं स्पीति की तरफ, वो सब एंट्री का इनके कुछ कोई मिसिंग होता है तो यहाँ से पता चल जाएगा भाई हाँ ये बंदा यहाँ से एंटर किया था। भैया यहाँ बहुत बड़ा जाम लगा है, क्यों लगा ये जाम समझ नहीं आ रहा, ये गाड़ियाँ खड़ी क्यों हैं। भाई ये गाड़ियों का यही दिक्कत है, जाम में फंस जाते हैं। अपना बाइक मस्त है भाई, जिधर मर्जी से निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े रोका क्यों है ये नहीं समझ आ रहा यार, हुआ क्या है आगे। क्या हुआ क्या हुआ है, तो बुला रहे हैं पत्थर उठाना टाना वहाँ से सीधी लेफ्ट साइड हुआ है। जा उठा के हटा के मैं आऊँ एक बार मैं ऐसे ऐसे करूँगा हल्का हल्का उठा दूंगा यार, लेफ्ट साइड हुआ सर। मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, चलो फिर सब लोग एक एक पत्थर उठा दें जाके साफ करते हैं। 2 बजे भाई साहब इन्होंने थोड़ा सा खोला है, पता नहीं जाने देंगे रहे कि नहीं, जाने दे रहे हैं, निकल जाते हैं फटाफट अभी मौका। वाह देखो सब बाइकर ही आ रहे हैं, आपको दिख रहा है ये सभी बाइकर ही हैं। वाह भाई साहब जितने भी बाइकर हैं ना सभी चितकुल वाले रुकने वाले हैं। और यहाँ देख लो रोड कैसे आ गए, मज़ा आएगा भाई ऑफ रोडिंग में। तो भाई साहब जो आज तक मैं वीडियो में देखता रहा था पहाड़ काट के जो रोड बनाया गया, वो आज मैं लाइव क्रॉस कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो भाई साहब कैसे पहाड़ को काटा है और बीच में से रास्ता है स्पेशली देखने के लिए, ऊपर से थोड़ा टेढ़े भी है पर काफ़ी डेंजरस रोड है ये। थैंक यू ब्रो। तो भाई फाइनली वी डिड इट, जो सोचा था आज वो हो रहा है।
बहुत बढ़िया लग रहा है यार, क्या बताऊँ, क्या फीलिंग आ रही थी, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। देखना वीडियो। ये पहाड़ी खच्चर सामान लोड कर रख रखा है भाई। देखो खाई है भाई, कितनी गहरी खाई है। और रुको हरी। तो भाई साहब अभी हम लोग पहुंचे हैं करचम वांगटू HEPS था पावर प्लांट है, पता है क्या है ये? अच्छा बसपा, ये जो साथ में जो रिवर वैली ना उसका नाम है बसपा, और हम लोग बसपा के किनारे ही कैंपिंग करने वाले हैं। काफुन्नू यहाँ से 18 किलोमीटर, शेरपा 8 किलोमीटर, रिकॉन्ग पियो 44 किलोमीटर। रिकॉन्ग पियो ये देख, ये पूरा मस्ती कर रहा है। तो भाई साहब ये बाइक भगा रहा है, क्या भगाता है यार, क्या बताऊँ। मेरे डबल लोग को भी जब मेरे से आगे निकल रहा है, मैं पीछे पीछे रह रहा है इसके। तो चलिए चलते हैं आगे। तो भाई साहब फाइनली स्नो माउंटेन हमें देखने को मिल रहे हैं, वो ऊपर बर्फीले पहाड़ है भाई। हाँ जी गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं सांगला घाटी, और ये जो रास्ता जाता है ये चल जाएगा रिकॉन्ग पियो की तरफ, वो हम लोग कल जाएंगे वापस आके। और सांगला इस साइड है 19 किलोमीटर, और अगर ये रास्ता जाते हैं तो चिटकुल की तरफ हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है कहाँ कहाँ है, कुप्पा 40 किलोमीटर, चांसू 17 किलोमीटर, सांगला 18 किलोमीटर, कामरू किला 19 किलोमीटर, थेंगरांग 23 किलोमीटर, बटसेरी 26 किलोमीटर, रक्षम 31 किलोमीटर, और चितकुल 8वें नंबर पे अपन लोग 41 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 41 किलोमीटर अंदर जाएंगे। भाई ये जो आयरन का ब्रिज है काफ़ी सुंदर है भाई। ठीक है जी, हैलो। हुण ब्लॉग का आप सिस्टम चेंज करता है, तो मैं हूँ ब्लॉगिंग करता पाया। मेरा नाम है बाली, तो वो जी सामने पुराना ब्लॉगर बैठा अपना, तो आ बई अपना रजनीश भरा, तो हूँ आप मुड़सले तो फल लिया। ये थोड़ा कहता मैनू आराम करना, तो मैं कहा चल कोई नहीं आराम कर लै। हूँ कहता बैट बॉल खेलना, बैट बॉल खेलना नहीं 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 जाने जा रहे, चलिए आप चाह चू पीए। चलिए भैया। ओ काका की कर रहे हैं तुसी, देखो जी दरिया, मुंडा कहता दरिया नहीं है, कहते झील है, कहते हाय हाय
लो जी नजारे ले रही है पब्लिक, पब्लिक नजारे ले रही पूरे। अपा भी चलते हैं फिर अपनी स्पीड बनाने हैं, फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो भाई साहब ये है सांगला का मार्केट छोटा सा, बट हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम लोग से जाएंगे और 25 किलोमीटर रह गया वहाँ जाके। यार लोकेशन भी ढूंढनी है टेंट टूंट लगाने के लिए आसपास में, एडवेंचरस ग्रुप संगला सांगला। देखो क्या वस्त वाटरफॉल है, हर हर महादेव। और इस साइड मंदिर भी है महादेव का, हर हर महादेव। और शाम भी हो रही है, टाइम जो है 5:30 हो चुका है, धीरे धीरे अंधेरे। भाई साहब बड़े खतरनाक रोड है यार, नेहरू रोड है, पहाड़ देख रहे हो, और ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ से आगे से पता चलेगा मोड़ पे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो हमेशा हॉर्न बजा के चले इधर। और सामने आपको वाइट वाइट पहाड़ दिख रहे होंगे स्नो वाले। ओहो रियल एडवेंचर, फाइनली वी आर इन चित्तकुल। यहाँ से चित्तकुल की बाउंड्री स्टार्ट होती है, चित्तकुल एल्टीट्यूड 11,320 फीट, इंडिया लास्ट विलेज। इसके बाद 24-25 किलोमीटर आगे जाके चाइना का बॉर्डर आता है, लैप्स स्टे वंडर एंड नेस्ट। तो चले चलते हैं आगे, बहुत सारे लोग यहाँ खड़े यार फोटो जाने के लिए। यहाँ भी एक बोर्ड लगा है, वेलकम टू बसवा रिवर कैंप। वाओ क्या ऑसम लग रहा है यार। तो गाइस स्वागत है आपका चित्तकुल में, श्री माता देवी जी की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो, धन्यवाद। तो भाई चित्तकुल में पहुंच तो गए हैं, अब ढूंढेंगे कोई कैंपिंग की लोकेशन। हाँ जी नीचे जाना है कैंपिंग घूमने के लिए, आगे से आगे से, कार आगे चली जाएगी। तो भाई साहब सामने पहाड़, लाजवाब जबरदस्त गजब। अभी जाएंगे कैंपिंग के लोकेशन ढूंढ रहे हैं, नीचे तरह जाएंगे। तो भैया ये आप, ये जगह आपकी है, ये जगह आपने रेंट पे लग रखी। तो बात कुछ ऐसी है, हम लोग यहाँ कैंपिंग लगाने गए, तो अगर आपने अपना पर्सनल टेंट लेके आ रहे हो तो आप इन लोगों से पूछ के परमिशन लेके आप उधर लगा सकते हो, बट उसके चार्जेस देने पड़ेंगे आपको 500 रुपीज़। और ये लोग आपको बाथरूम वगैरह यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, और खाना पीना अगर खाना हो तो आप यहाँ खा सकते हो, अगर वरना आप खुद बना सकते हो। हम लोगों ने तो भैया खुद बनाना है, बस मेन बात थी बाथरूम उधर यूज़ करने दे रहे हैं, बस वही ठीक है। और एक कंबल भी दे रहे हैं भैया, और भैया पास तो आओ। ये जो आपने ये टेंट है ये कितने कितने के पड़ते हैं? डबल शेयरिंग में कितना? विद फूड 4,000, डिनर ब्रेकफास्ट। अच्छा अगर आप ये सब टेंट लेते हो तो आपको 4,000 देना पड़ेगा शेयरिंग, अगर सिंगल बंदा लेगा तो? सिंगल बंदा आपका ये 2500 विद फूड। जैसे सपोज ग्रुप में आता है, चाहे वो 4-5 लोग एक साथ रह ले कोई दिक्कत, 10 लोगों से ऊपर का ग्रुप हो तो उसमें B2B चलता है, 1500 पर पर्सन खाना पीना और रहना। चलो ठीक है, अगर आपका बजट इतना है तो आप ये सब भी कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर होटल भी मिलते हैं, होटल में रह सकते हो। अगर कैंप करना है आपने इधर नीचे आ सकते हो भाई, और बस बता दीजिए उसको लोकेशन। ये लोग भी स्पीति राइड कर रहे हैं भाई, थार 4x4 पे, ये गाड़ी पे पूरा मैप लगाया है, बढ़िया लग रहा है। ये चैनल है आपका कौन से नाम से? टेम्पटिंग रोड भाई का भी चैनल है अपना। ओके जी केशव राइड्स। स्पीति रूट पे पूरे पे हां ऑल सर्किट, ये पता भाई आए हुए ऑन सर्किट स्पीति रूट के लिए। उनका चैनल का नाम है
भाई हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हम इनका चैनल सब्सक्राइब ऐसे बढ़ाएंगे भाई जी। तो भैया हमें ये लोकेशन मिली है कैंप करने के लिए, इधर रिवर है और इधर पहाड़ है, उधर बर्फ़ वाले पहाड़ हैं और इधर ही बर्फ़ वाले पहाड़ है। भाई साहब ऑसम वाला व्यू है क्या बताए, और यहाँ में मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत छोड़ के। यहाँ पे हमने टेंट लगा रहा है, ये देखो हमारा टेंट है ये, ठीक है। इधर इधर खाना वाना बनाएंगे अपन लोग, और ये देखो ये मैंने पूरा जुगाड़ कर रखा है कि गैस है, हवा ना आए, इसलिए इसको टीन भी लगाया। इधर अपने बर्तन पड़े हुए हैं और ये प्याज व्याज के, और इधर हमारी दिखा सकता हूँ तो इधर हमारी बाइक पार्क है, ये देखिए इधर बाइक पार्क है हमारी, और इधर टेंट है हमारा, ठीक है। और इधर अपन लोग सोने याद जात यहीं पे ना, और इस साइड ना अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो इधर हमारा ना कैंप रिवर वैरी है। बाकी मैं आपको ना सुबह अच्छे से दिखाऊंगा, फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू। हाँ जी महाराज, तो कैंप में सोने के मज़े लग रहे हैं भाई साहब। फुल स्लीपिंग बैग में हम लोग पैक हो चुके हैं, और उसको पाली वाली भारी कंबल में। तो आज की रात अपन लोग बिताएंगे टेंट में।